आप अपना परिचय दीजिए। कालीचरण राजभर, ग्राम प्रधान रंगडी। आपके गांव में घटना हुई है जी? क्या घटना हुई है? एक लड़के की हत्या हुई है। लड़की की हत्या? लड़के की हत्या। पंकज राजभर, पिताजी का नाम फेरई राजभर। उम्र कितना था? लगभग 22 वर्ष। और किस विषय में हुई है मर्डर? ये प्रेम प्रपंच का ही मामला कहा जाएगा, क्योंकि एक लड़की के नाम से फ़ोन आया था नटौली गांव। अच्छा। तो फ़ोन आया इस मिलने के लिए, ये मिलने के लिए रात में गया अपने गांव के दो लड़कों को लेकर, अजीत राजभर और हरिंदर राजभर को लेकर। तो जब वहां मौके पहुंचा तो वहां लड़की नहीं थी, चार पांच लड़के थे जो स्थान दिया गया था मिलने के लिए। तो उन लड़कों ने पकड़ कर राड और ईंट पत्थर से बहुत बुरी तरह से मारा। ये मर्डर कहाँ हुआ है? ये नटौली बैरकडी के सरहद पर कहीं हुआ। जिला कौन सा वो पड़ता है? नटौली तो सागंज जिला जौनपुर पड़ता है, बैरकडी हमारा दीदारगंज थाना और जिला आजमगढ़ पड़ता है। लड़की का नाम पता है? दीपा राजभर। जौनपुर जिला का लास्ट पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा। अब FIR दर्ज हो रहा है, उसे FIR कर दिए। जैसे FIR दर्ज हो रहा है, अब विवेचक का काम है आगे का प्रक्रिया पूरी करना, कार्रवाई तो हो। नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवकुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद आजमगढ़ से, जहां पर प्रेम प्रसंग में युवती के द्वारा बुला के युवक की हत्या। जी हां, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ताजा तरीन धार्मिक एवं सनसनीखेज खबरों के लिए लगातार देखते रहें। खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। आजमगढ़ जनपद के कोतवाली थाना सरामी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रंगडी के रहने वाले युवक पंकज राजभर की हत्या। पंकज राजभर का प्रेम प्रसंग शाहगंज के नटौली ग्राम सभा की रहने वाली दीपा राजभर से लंबे समय से चल रहा था, जिसके फोन पर दीपा राजभर के फोन पर युवक पंकज राजभर शाहगंज नटौली मिलने गया। बताया जाता है कि दीपा राजभर के फोन पर पंकज राजभर जब शाहगंज पहुंचा तो वहां पर घात लगा के बैठे कुछ लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। पंकज के साथ में दो मित्र और भी साथ में थे, जिसमें एक मित्र घायल है। घायल मित्र के हाथ में लाश को थमा दिया गया और ड्राइवर मित्र को कहा गया कि इसका पर्दाफाश करोगे तो तुम्हारे जान को खतरा होगा। इससे भयभीत होकर 3 बजे भोर में पंकज राजभर के मित्र ने गाड़ी से लाश को ले जाकर उसके घर पहुंचाया, जहां पर सुबह तक वह यह बताने को राजी नहीं हुआ कि इसकी मौत हत्या से हुई है। काफी दबाव के बाद सुबह पंकज राजभर के मित्र ने बताया कि इसकी हत्या की गई है। आनन फानन में पंकज राजभर के पिता फेरई राजभर ने सरायमीर थाना क्षेत्र को सूचना दी, जिस पर सरायमीर थाना अध्यक्ष समेत मई फोर्स पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर युवती की छानबीन शुरू कर दी। लाश को पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि 26 अगस्त को पंकज राजभर अपने महिला मित्र से मिलने शाहगंज नटौली गया था, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। साथ में उसके एक और मित्र को भी घायल कर दिया गया और रात में ही 12:01 बजे लाश को दो चक्के पर लाद के रंगडी गांव भिजवा दिया गया। इसका खुलासा गाड़ी चला रहे मित्र ने सुबह दी। इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। प्रेम प्रसंग में जान चली जाए, यह काफी चर्चा का विषय है। यह खास रिपोर्ट है नीरज प्रजापति, यूथ कॉर्नर, ब्यूरो आजमगढ़। क्या नाम है चाचा?
हिरई राजभर। कहाँ का रहने वाले हैं? ग्राम रंगड़ी। क्या मामला हुआ है? मामला है कि लड़का गया था मतलब अपने बुआ के यहाँ, रात में फिर आने लगा था, फिर दो चार बदमाश जो उन्हें अगल बगल के उसको मार दिए। क्या किसी लड़की से? कुछ लड़की से शायद उसका कुछ था, संबंध था। तो मर्डर किस स्थान पर हुई है? अब वही बैरीडी और दोनों के बीच सर है, आजमगढ़ और शायद जौनपुर का बॉर्डर। लड़की का नाम था? लड़की का नाम रहा डॉक्टर के मालूम, दीपा राज। दीपा राज, दीपा लड़की का नाम दीपा राज, ग्राम सभा मतौली। आप ग्राम प्रधान कहाँ के? रंगड़ी के। रंगड़ी के, क्या मामला आपके गांव का है? ये प्रेम प्रपंच का मामला है। ये लड़का गया था अपने बुआ के घर। लड़का है? पंकज राजभर। अच्छा, पंकज राजभर। हाँ, पिताजी का नाम उसके फेरे है। अच्छा, ये रंगड़ी के रहने वाले थाना सरामीर के। थाना सरामीर के जी। तो क्या हुआ? ये रात में लगभग यहाँ से 10:30-11 बजे बीती रात को जी गया नटौली। हाँ, दो लड़कों के साथ में यहाँ से गया और वहाँ से फ़ोन लड़की का शायद आया था। लड़की का? हाँ, लड़की का, एक लड़की से मिलने के लिए। लेकिन जब वहाँ पहुँचा वो लड़की नहीं थी, वहाँ 4-5 लड़के थे। अच्छा, जिस स्थान पर उसको बुलाए थे। हाँ जी, वहाँ उसको राड और ईंटा पत्थर से मारे जी, जिससे मतलब वो बुरी तरह से घायल हो गया और हाँ एकदम अधवारा करके छोड़ दिए, और दूसरे लड़कों को भी बुरी तरह से मारे, घायल कर दिए। और फिर एक तीसरा लड़का जो था, ये लोग बाइक से थे, बाइक से तीन लड़के बाइक से गए थे जी जी। जो तीसरा लड़का था उसको इसलिए नहीं मारे कि तुम गाड़ी से इसको लाद कर घर ले जाओ। अच्छा, नहीं तो तुमको भी जान से मार देंगे अगर कहीं बताओगे तो। मारा भी और रात में ही लादा। रात में ही लादा और रात में ये फिर लड़का सब लाद के लेके आए, घायल अवस्था वाला भी लाया, घायल अवस्था वाला ला के घर पहुँचा। अच्छा जी, कितने बजे घर में पहुँचा? घर लगे 3:30 बजे। फिर आप लोगों ने क्या किया? 3:30 बजे सूचना मिली तो पहले हम लोग एक्सीडेंट का मामला समझ रहे थे, क्योंकि जो लड़का लेकर आया उसको इतना हड़का दिए थे, वो बता नहीं रहा था, खौफ था। जो घायल था उसको हॉस्पिटल ले गए गांव के। दूसरा वाला जो घायल था वो जौनपुर ले जाके इलाज के लिए उसको एडमिट किया गया है। अब उसके बाद फिर 7-8 बजे तक क्लियर होते 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 पता चला कि मामला इस ढंग का है, ये लोग मारे गए हैं। थाने पर सूचना दिया, तब 100 नंबर पर कॉल किया गया और थाने को सूचना दिया गया। उसके बाद पुलिस गई डेड बॉडी को लेकर थाने। अपने माँ बाप का अकेला लगता अकेला लगता था। अच्छा, कै साल का है ये? ये लगभग 22 साल का है। अरे वही 22 साल के लड़के पिताजी।